अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मायोनीज सैंडविचेस। यहाँ 400 ग्राम चिकन लिया है मैंने। इसे मैं बॉईल कर लूंगी। चिकन में हाफ टी स्पून नमक ऐड करूंगी मैं। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूंगी। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी। और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक्कन ढककर पकने देंगे। इसमें एक बॉईल आ जाने के बाद अभी चिकन गलने तक हमें इसे पकने देना है। ढक्कन ढककर हम इसे कवर करके पकाएंगे। चिकन में देखो अभी भी काफी पानी है। ये सारा पानी ड्राई करना है हमें, जब तक चिकन भी गल जाएगी। चिकन का पानी ड्राई होने तक हम इसे कवर करके पका लेंगे। और पानी सारा ड्राई हो गया है हमारा चिकन का, और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है। चिकन को श्रेड कर लेंगे अब हम। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं। इसे ऑयल में हम फ्राई करेंगे। जस्ट हमें सॉफ्ट करना है प्याज, ज्यादा रेड नहीं करना है। हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। हमने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कट कर लिए हैं, ये भी हम डाल लेंगे। इसे कुछ देर फ्राई करके फिर हमने जो चिकन श्रेड किया है, ये जो चिकन हमने बॉईल और श्रेड करके रखा है, ये चिकन भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन भी हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हमने यहाँ पर गोभी लिया है, 1 कप के करीब है ये। ये बंद गोभी को भी हमने कट कर लिया है फाइनली, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसमें अपनी मर्जी के और भी वेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपको पसंद है। मैंने सिर्फ यहाँ गोभी ऐड किया है। इसमें मैं नमक ऐड कर लूंगी, 1/2 टीस्पून नमक है। और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। इन सारी चीजों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ 2 टीस्पून हमने रेड चिली सॉस ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून हम टमेटो केचप भी ऐड कर लेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। फिर थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के बाद हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। हमारा चिकन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। ये 4 से 5 चम्मच मायोनीज है, इसे हम ऐड कर लेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे हम। होती है ये सभी को पसंद आती है, और ये रमज़ान में इफ्तारी के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और मैं तो इसे टिफ़िन के लिए भी प्रिफ़र करती हूँ। मेरा बेटा काफ़ी शौक से खाता है ये टिफ़िन में।
सैंडविच को टोस्ट करने के लिए हमने पैन में यहाँ बटर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें अपने सैंडविचेस रख लेंगे। इस तरह से हम सैंडविच टोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास टोस्टर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप टोस्टर में भी सैंडविच टोस्ट कर सकते हो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके हम सैंडविच को टोस्ट करेंगे ताकि ये जॉइंट हो जाए, ब्रेड खुले नहीं टोस्ट होने के बाद। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे टोस्ट करना है। ऊपर से भी इस पर बटर अप्लाई कर लेंगे। और इसको फ्लिप कर लेंगे। अब हम इस तरह से अपने सैंडविचेस को फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड से भी रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह से गोल्डन कलर हमें सैंडविचेस का चाहिए। रेडी हो चुके हैं हमारे सैंडविच। जरूर से ट्राई कीजिएगा इन सैंडविचेस को और बताइएगा हमें कैसी लगी आपको हमारी सैंडविच की रेसिपी। लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।